हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनीताय गौरनिताय गौरनीताय जय गौरनीताय जय जय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा जय जय गुरुदेव गुरु, देव, गुरु देव। नेताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नेताई गौर हरि बोल जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय जय श्री प्रभुपाद की जय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणीप्रचारिणे शून्यवादी निर्विशेषन्यवादी पाशादेशताकतरुभ्यो पतीता पावनी वैष्णवभ्यो नमो नम हे कृष्णा करुणा सिंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय प्रभु प्रभुनित्यानन्द श्री गदाधर, श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुख कौति पंगु लंगयत गिरी यम वंदे श्रीगुरुदीन तारण परमानंदमाधव श्रीचैत हरे कृष्णा तो आप सभी का रविवार्य सत्संग में स्वागत है आज आने वाले तेईस तारीख को मोक्षदा एकादशी है मोक्षदा एकादशी का मतलब क्या जो एकादशी हमको मोक्ष दिला दे उसका नाम मोक्षदा एकादशी क्यों पड़ा है क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण ने जो मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत गीता वो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था केवल अर्जुन को नहीं दिया अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए वो ज्ञान दिया तो हमको उस भगवत गीता को अच्छी तरह से समझना है जब तक हम भगवत गीता को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक हम हमारे मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है ये समझ ही नहीं पाएंगे भगवत गीता में पूरी तरह से हमारे जीवन का क्या कर्तव्य है किस प्रकार से हमको जीना है किस प्रकार से हमारा जीवन बिताना वित, है सब कुछ लिखा है इसलिए भगवत गीता को बहुत अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो भी जीव मतलब जिसने मनुष्य शरीर में आत्मा ने जो प्रवेश किया है हर जीव के लिए है ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए है ये हर आत्मा के लिए है ये आत्मा का ग्रंथ है ये हमारे शरीर का ग्रंथ नहीं इसलिए हमारे हमें किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार करना किस प्रकार प्रकार से हमारे आत्मा को आनंद देना ये इस ग्रंथ में बताया है हम हमारे पूरी चर्चा के अंदर समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे आत्मा को भी हम आनंद कैसे दे सकते हैं तो भगवत गीता अगर शुरू से देखे तो गीता में कहां से ज्ञान शुरू हुआ है कोई बता सकता है गीता का पहला अध्याय क्या है अर्जुन का विषाद योग अर्जुन को केवल माध्यम है हमारे लिए पूरा ज्ञान है ऐसा मत समझो कि अर्जुन हो था अर्जुन को क्या बात है दो 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 आपकी दो बार कृपा हो दो <laughs> तो, अर्जुन को केवल माध्यम बनाकर ये पूरा ज्ञान हमारे लिए दिया है तो इस ज्ञान को हमको अच्छी तरह से समझना है तो अर्जुन भी डिस्टर्ब था हम भी हमारे जीवन में डिस्टर्ब रहते हैं कि मैं क्या करूं अर्जुन के सामने जब युद्ध का समय आया तो क्या सोचने लग गया मैं क्या करूं युद्ध करूं या, करू? या ना करूं इनको मारूं या ना मारूं क्या मैं भीख मांगकर बस जीवन बिताऊं यहां तक सोचने लग गया कि अगर मैं जीतने के बाद में मुझे राज्य मिल भी गया मिलने के बाद में मैं क्या करूंगा हमारा भी स्वभाव ऐसे ही है अगर किसी को सपोज सौ करोड़ की लॉटरी लगी कितनी बड़ी लॉटरी सौ करोड़ की और लॉटरी लगने के बाद में उसको बोला देखो तुमको सौ करोड़ रुपए देंगे एक कंडीशन है क्या जंगल में बहुत बड़ा बंगला है वो बंगले में तुमको जाके रहना है हुँ? और सौ करोड़ का जो भी करना है जितना यूज करना है उतना को यूज करो अकेले को रहना है और वो बंगले में रहना है बहुत बड़ा बंगला है एकदम राजमहल है एक भी व्यक्ति नहीं वहां क्या करेंगे हम बोलते मेरे को सौ मेरे को सौ करोड़ नहीं होना मेरे को क्योंकि क्या है हमारा स्वभाव क्या है बोलेंगे हमको कोई चीज मिली ना हम क्या चाहते हैं सबको बता देगा मेरे को मिला बोला सौ करोड़ जब तक हम दूसरों को बताएंगे नहीं तब तक आनंद मिले नहीं मिलता तो हमारा इस प्रकार का स्वभाव है तो अर्जुन भी विषाद में था और अर्जुन का विषाद क्या था मैं करूं या ना करूं और उसके लिए फिर भगवान ने पूरी गीता बताई और गीता के एंड में भगवान क्या बताते है? भगवान क्या बोलते हैं कि ये अर्जुन को इस प्रकार से ज्ञान देते हैं कि अर्जुन समझ जाता है मुझे क्या करना है क्या पहले क्या था मैं क्या करूं ये करूं या ना करूं और फिर अंत में क्या समझ में आया मुझे क्या करना है तो हमारे जीवन में भी हम डिस्टर्ब रहते हैं अगर हम गीता को अच्छी तरह से समझेंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि हमको हमारे जीवन में क्या करना है अगर ये चीज भी किसी को समझ में आ गई ना तो भी बहुत बड़ी बात भगवत गीता अगर देखेंगे हम गहराई में अगर जाते हैं तो भगवत गीता के अंतिम अध्याय अठारहवें अध्याय में अर्जुन क्या बोलता है मालूम है पूरी गीता सुनने के बाद में हुँ? तो भगवान पहले तो पूरी गीता बताते हैं और भगवान स्वयं बोलते हैं कि देखो अर्जुन मैंने तुमको अभी पूरी गीता बता दी अब ये गीता सुनने के बाद में अब तुम्हें यथेच्छ तथा अब तुम्हारी जो इच्छा होगी वो कर। मैंने पूरा ज्ञान तुमको दे दिया हमको भी ज्ञान मिला है लेकिन हम क्या है उसको अंदर जाने ही नहीं देते बाहर के बाहर ही निकालते तो अर्जुन को भी ज्ञान दिया था लेकिन अर्जुन ने बाहर नहीं जाने दिया उसको हा? तो अंदर ज्ञान लेने के बाद में ये अर्जुन को बोला तुमको क्या करना है वो करो ये जथेच्छे सू तथा करो अर्जुन क्या बोलता है जब पूरी गीता सुनने के बाद में अर्जुन का भाव क्या है अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा प्रसादात्म अच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिश्य वचनम तब अब भगवान ने तो बता दिया कि तुमको क्या करना, कर, करना है वैसा करो और अर्जुन क्या बोलते हैं अभी मैं आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा करिष्ये वचनम तब तो जब अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए सही देखे जाए तो भगवत गीता में हमको क्या समझा है अगर भगवत गीता को गहराई में देखें ना हम भी हमारे जीवन में डिस्टर्ब रहते मैंने बताया तो हम क्या सोचते हैं कुछ भी प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या मुझे मिलेगी ये मिलेगा मतलब हम प्रयास करते कुछ प्राप्त करने के लिए अर्जुन भी उस प्रकार से ही प्रयास कर रहे थे लेकिन अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में प्रश्न क्या पूछा अर्जुन ने भगवान को अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा श्रेयसम निश्चितम ब्रूहितन तन्वे मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ श्रेयस जो है सबसे अच्छी चीज क्या है वो मुझे बताइए मैं समझता हूँ वो मत बताइए कि मैं समझता हूँ मेरे लिए ये अच्छा है, तो वो तो समझ रहा था पहले अध्याय में वही हु? ये भी अच्छा दिख रहा है ये नहीं करना अच्छा दिख रहा है ये सब अच्छा दिख रहा तो अर्जुन पूछता है कि मुझे मेरे लिए जो सबसे श्रेष्ठ क्या है श्रेयस क्या है दो प्रकार होते हैं एक को बोलते हैं श्रेयस और एक को बोलते हैं प्रेयस श्रेयस और प्रेयस में फर्क क्या है प्रेयस मतलब हम जो समझते हैं मेरे लिए अच्छा है इस जीवन के अंदर मुझे अच्छा सुख मिले अच्छा घर मिले अच्छी गाड़ी मिले अच्छा बंगला मिले सब कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए जो कि नष्ट होने वाली चीजें प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है वो क्या है प्रेयस जो प्रयास करता है प्राप्त करने के लिए वो प्रेयस और श्रेयस क्या है जो चीजें ऐसी चीजें कि जो प्राप्त करने के बाद में हमारा ये और अगला जीवन सुधर जाए उसको कहते हैं श्रेयस तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं मेरे लिए प्रेयस मत बताइए मेरे से लिए क्या बताइए श्रेयस बताइए अब यहाँ अठारहवें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं कि अभी अर्जुन ने तो अब सब कुछ हाँ शरणागत हो गए कि अब आप करिष्य वचनम तब बोला तब अर्जुन तब भगवान बोलते हैं कि चौसठवें श्लोक के अंदर बताते हैं कि सर्वगुह्यतम भूयम श्रृणु सुणु में परम वच इष्टोश्री में दृढ़ मेति वक्षा ते हितम हे अर्जुन अभी चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो मेरे भक्त हो मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ चीज बता रहा हूँ लेकिन ये मेरा अभी अभी तक मैंने बोला था यथेच्छे अच्छे से तथा कुरु अब यथेच्छे अच्छे से तथा कुरु नहीं अब तुमने शरणागत ले ली तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये मेरा आदेश है अब यहाँ भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुमको जो करना है अब क्या बोल रहे हैं अब मैं तुझे आदेश देता हूं कि तुमको क्या करना है अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना यहां इसके तात्पर्य में प्रभा जी क्या लिखते हैं क्योंकि मेरे तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतव मैं तुम्हें अपना परम आदेश दे रहा हूं जो सर्वाधिक गोहितम ज्ञान है और बता रहा हूं इसे अपने हित के लिए सुनो और फिर भगवान अपना परम आदेश देते हैं वो आदेश अर्जुन के थ्रू हमारे लिए क्या बोलते हैं पैंसठ और छियासठवें श्लोक के अंदर पैंसठवा श्लोक अठारहवें अध्याय का क्या है मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माँ नमस्करु मामे वैश्य सत्यम थे प्रति जाने मन मना अपने मन में मुझे धारण करो मेरे ही भक्त बनो मद्याजी मुझे ही सबका आदि समझो मेरी ही पूजा करो माम नमस्कुरु मुझे ही नमस्कार करो हम मामे वैश्य सत्यम ये ये बता रहा हूँ ये सबसे सत्य चीज है क्योंकि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो इसलिए और अगले श्लोक में बोलते हैं परित्यज माम एकम शरण सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ क्या अगर हम भगवत गीता भागवतों को थोड़ा सा कंपेयर करें तो कैसा है मन में भगवत गीता जब खत्म होती है तो उसके अंदर भगवान बोल रहे हैं कि माम एकम शरणम भेजा मेरी पूरी तरह से शरण में आ जाओ और पूरी भागवत में क्या है मन में वो शरणागति किस प्रकार से ली जाती है पूरा भागवत में होता है अलग कर, अलग एग्जाम्पल देकर हर एक अलग अलग राजाओं के एग्जाम्पल्पल देकर शरणागति किस प्रकार से प्राप्त की जाती है ये पूरा भागवत में बताया इसलिए गीता भागवत हमको समझना है लेकिन गीता हमारे लिए सबसे बेसिक ग्रंथ है तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझना है अभी आगे भगवान बताते हैं गीता में कि इस गीता के इतना श्रेष्ठ ज्ञान और कहीं नहीं चौथे अध्याय के अड़तीसवे श्लोक के अंदर बताते हैं कि नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम एकदम उत्तम इस ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई ज्ञान नहीं इससे पवित्र कोई ज्ञान नहीं हाँ इससे उत्तम कोई ज्ञान नहीं ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है अगर इस ज्ञान को तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है हुं? हम हर वक्त बोल रहे हैं कि ये अर्जुन के लिए नहीं हमारे लिए है सब कुछ हुं? उसका माध्यम बना के तो हमको समझना है कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान बोल रहे हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है ये हमारे लिए ज्ञान है अभी चौथे अध्याय के अड़तीसवें श्लोक में तो ये बोल रहे हैं उनचालीसवें श्लोक में क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है और भगवत गीता को चार चीज़ें करता है पहले सुनता है बाद में पढ़ता है बाद में समझने का प्रयास करता है बाद में उस पर मनन करता है और पांचवी भी, भी चीज़ है, जो जब अपने जीवन में उतारता है तो जब इस प्रकार से करेगा तो भगवान बोलते हैं उसका जीवन सबसे ज्यादा सफल हो जाएगा और वो क्या होगा सुसुखम कर तुम अव्ययम सुसुखम कर तुम अव्यम मतलब क्या उसके जीवन के अंदर सुख ही सुख आएगा अभी हम बोलेंगे कि फिर हमने भगवत गीता पढ़ ली तो हमको कमर दुख जन्म जीव में जीवन में दुख नहीं आने वाले दुख हमारे कर्मों के हिसाब से आएंगे लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद में वो दुखों को सहन करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और दुखों को सहन करने की जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा हमको दुख छोटे लगने लग जाएंगे नहीं तो अभी हम क्या करते हैं अरे बाप रे मेरे पीछे ही ये क्यों पड़ा मैं ही इतना ही मैं ही दिखा क्या भगवान को और कोई दिखाई नहीं गया हम हम हमारे ब्लेम करते रहते लेकिन जैसे ही भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ में आएगा कि भगवत गीता का ज्ञान जो है ये हमको उन दुखों को सहन करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ाता है अभी हम चौथे अध्याय के अड़तीस उनचालीसवें श्लोक में पढ़े अब चालीसवें श्लोक में क्या बोलते हैं अड़तीसवें श्लोक में क्या बोला था कि यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है उनचालीसवें श्लोक में बोला जो श्रद्धा से इसको समझता है चालीसवें श्लोक में क्या बोलते हैं ज्ञ अश्रद्धानस्य आत्मा विनश्यति ना हम लोकोस्ती ना पर सुखम संशय ना बोले तीन प्रकार के लोग अज्ञ अज्ञ मतलब अज्ञानी जो भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास ही नहीं करता भगवत गीता को समझने की बात तो दूरी होगी जो पढ़ने का और सुनने का प्रयास ही नहीं करता जो भगवत गीता के हद तक अज्ञानी है दूसरा अश्रद्धा धान जिसको गीता पर भगवान के शब्दों पर श्रद्धा ही नहीं और तीसरा आत्मा क्या ये सही है क्या ये सही क्या नहीं क्या भगवान कृष्ण थे क्या या नहीं थे हम बहुत सारे लोग संशय करते हैं तो भगवान बोल रहे हैं आत्मा विनश्यति इनका इनका जीवन जो है विनश्यति मतलब क्या है विनाश होगा मतलब क्या मतलब वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा पुनरअपि जननम पुनरअि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम एक माँ के गर्भ में आएगा बड़ा जन्म होगा बड़ा होगा बूढ़ा होगा फिर मर जाएगा मरने के बाद में दूसरे माँ के गर्भ में जाएगा फिर बड़ा होगा बूढ़ा होगा फिर तीसरे माँ ये ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ये चालू रहेगा लेकिन भगवदगीता हमें क्या बताती है यहाँ यहाँ इसलिए इस श्लोक को भी कहा लिया है भगवान ने देखो चौथे अध्याय का 40 वर्ष लोग हुँ? हम कहीं भी रास्ते पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक जो रहता है उसके आगे लगा हुआ रहता मालूम है लाल लाल कलर में 440 सौ चालीस वोल्ट धोखा डेंजरस यहाँ भगवान ने भी वो श्लोक कौन सा लिया है 440 कितना है चार सौ चालीस वोल्ट का झटका अगर नहीं समझेंगे तो मतलब कहने का मतलब क्या है जो भगवत गीता को अच्छी तरह से समझेगा उसको झटका नहीं लगेगा हम्म नहीं तो चार साल चार सौ चालीस ढोल ढोल का झटका लगेगा तो भगवत गीता में हमको भगवत गीता क्यों समझना है भगवत गीता में हमारे जीवन की जो असली समस्याएं हैं उसका उत, उसका उत्तर दिया है कौन सी जीवन की समस्याएं हैं हम समझते हैं भाई कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं वो एक समस्या है कोई बोलता मेरे को पास घर नहीं वो समस्या है कोई बोलता है मेरी मेरी शादी नहीं हो रही वो समस्या है कोई पढ़ाई में पास नहीं हो रहा एग्जाम में वो समस्या, ये समस्या नहीं है ऐसी समस्या जो हर जीव के लिए कॉमन हो हर जीव मतलब मनुष्य हो कुत्ता हो बिल्ली हो मच्छर हो या वृक्ष हो सबके लिए कॉमन ऐसी कौन सी समस्या है जो सबके लिए कॉमन होना चाहिए अगर हम टालना चाहे तो टाल नहीं सकते और तीसरा कोई भी उससे बच नहीं सकता ऐसी एक ही समस्या वो जो समस्या है वो क्या है हर जीव के लिए कौन सी है वो समस्या भगवान बोलते हैं तेरहवे है अध्याय के नवे श्लोक के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन ये जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और व्याधि बीमारी ये हर जीव के पीछे लगी है फिर वो कोई भी इसका हो हुँ? कोई भी योनि हो मच्छर की योनि हो या हमारी मनुष्य की योनि हो हर योनि में ये जन्म मृत्यु जरा वैधि लगी है तो भगवान बोलते हैं कि ये जन्म मृत्यु जरा वैधि से बाहर किस प्रकार से अगर किसी को निकलना चाहता है किस प्रकार से निकल सकता है ये गीता में ज्ञान दिया है सातवें अध्याय के उन्तीसवें श्लोक में बोलते हैं भगवान कि जरा मरण मोक्षाए मामुश्रित्य ते मतलब जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना चाहता है उसको क्या करना चाहिए मामुश्रित्य माम उत्य मतलब माम मतलब भगवान कृष्ण बोलते हैं मुझे और आश्रित्य आश्रित्य मतलब मेरा उसने आश्रय लेना चाहिए क्या मतलब मेरी भक्ति का आश्रय लेना चाहिए जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति का आश्रय लेगा तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेगा अगर नहीं लेगा तो क्या होगा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा तो चौदहवें अध्याय के अंदर भगवान नब्बे श्लोक के अंदर बताते हैं कि समझो ये सब कुछ हमको जो कुछ भी कर रहे हैं इस जीवन के अंदर वो काय से कर रहे हैं प्रकृति के तीन गुणों के कारण हर कोई ये भगवान जो है हमको कंट्रोल किस प्रकार से कर रहे हैं ये किसके थ्रू कर रहे हैं मालूम है हमको किसी को मालूम है किसके थ्रू हम भगवान को हम भगवान हमको कंट्रोल कर रहे हैं माया लेकिन माया किसकी शक्ति है किसी को मालूम है दुर्गा देवी की दुर्गा देवी जो है हुँ ये भगवान की माया शक्ति है और माया शक्ति हमको कंट्रोल में ले रही कंट्रोल में किससे करती है उसके हाथ में क्या है त्रिशूल हम्म त्रिशूल हम्म तो वो त्रिशूल से कंट्रोल में करती हैं और त्रिशूल क्या है त्रिशूल है तीन शूल तीन चीज़ें क्या है आदि दैविक आदि आत्मिक और आदि भौतिक ये तीन प्रकार के तापों से और ये तीन ताप लाकर हमको सत्वर हजार गुणों के अंदर फंसा हमको यहाँ अटका के रखा है अभी हम भक्ति विषय में चर्चा कर रहे थे कि पंद्रहवें अध्याय के अंदर भी यही चीज बताई है कि हम इसके अंदर अटके हुए हैं तीनों गुणों के अंदर तो ये तीनों गुणों से हमको बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है तो भगवान बोलते हैं ये जो माया शक्ति है ये कौन है हुँ? कौन है ये जो प्रकृति जो है माया की प्रकृति जो तीन गुणों की प्रकृति है, ये कैसे कौन है तो भगवान बोलते हैं ये मेरी शक्ति है और ये शक्ति को मैं क्या कर मैं कौन हूँ ये शक्ति का नवे के दसवें श्लोक में बताते हैं मयाध्यक्षे न प्रकृति सुयते सचदाचरम हेतु नाने न कौन ये जगत भी परिवर्तित ये पूरी जो माया शक्ति है ये प्रकृति है ये मेरे अध्यक्षता में काम करती है और ये शक्ति कैसी है भगवान बोलते बहुत मजबूत ताकतवर है ये ताकतवर शक्ति को कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है लेकिन भगवान ने जैसे जो भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान उसका सोल्यूशन भी दे देते हैं हमको मालूम है कि माया को कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है भगवान सातवें अध्याय के चौदहवें श्लोक के अंदर बताते हैं दैवी हेशा गुणमयी ये मेरी जो माया है मम माया दुरत्यया ये मेरी माया शक्ति को कंट्रोल में लाना दुरत्यया मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल में नहीं ला सकते लेकिन अगली शो लाइन में बताते हैं मामे व ये प्रपद्यंते जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण ले लेता है भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है मामे व ये प्रपद्यंते माया में तम तरंती थे वो माया को तर जाता है तो हमको अगर माया से ही तीनों गुण वाली माया से अगर तरना है तो हमको क्या करना पड़ेगा भगवान कृष्ण की शरणागत होना पड़ेगा और भगवान कृष्ण का शरणागत होने के लिए क्या करना है कलियुग के लिए केवल भगवान का नाम वो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि नब्बे अध्याय के अंदर दूसरे श्लोक में एक बहुत बड़ी चीज बताते हैं नवाध्याय जब शुरू होता है तो पहले श्लोक के अंदर क्या बताते हैं इदम ते गुहतम प्रवक्षा अनुसूय वे ज्ञान विज्ञान आस्तिकम यज्ञातवा मोक्ष से अशुभात कि ये मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ये कैसा है इदम ते गुहतम सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं हु? और ये अगर किसी ने जान लिया यज्ञातवा मोक्ष से अशुभात जिसने जान लिया वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर सकता है अगले श्लोक के अंदर नवे अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर क्या बताते हैं राज विद्या राज गुयम पवित्रम इदम उत्तम ये ज्ञान कैसा है सब ज्ञान का राजा है लेकिन ये सबसे पवित्र है प्रत्यक्ष अवगम धर्मम सुसुखम कर्तुम जो व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतार लेता है हुं? तो पहले श्लोक के अंदर क्या बोला है कर्तुम अव्ययम जो नवे अध्याय के पहले श्लोक में कर्तुम अव्ययम में क्या क्या है कि ये जो व्यक्ति अपने जीवन में उतारते रहता करते रहता हुँ? और वो करना कैसा है भगवान की भक्ति क्या है भौतिक कार्य जो करते ना भौतिक कार्य को लिमिटेशन है अभी प्रभु जी ड्रेनेज का काम कर रहे थे या फिर वो नल का काम कर रहे थे वो जब कनेक्शन पूरा हो गया संपल मैं काम झालो बरबर है हाँ फोन आ गया है काम हो गया जैसे हम भौतिक जगत में भी घर बनाना है घर बन गया रहने को आ गया, हो गया काम। भौतिक जगत में जो भी काम हो जाता है लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्तुम अव्वेयम। कर्तुम अव्वेयम का मतलब क्या है ये जो काम ये जो काम भक्ति का कार्य कर रहे हो ये कैसा है अव्ययम कभी खत्म होने वाला ही नहीं है जितना करो उतना कम है क्या लेकिन भगवान अगले ही श्लोक में बोलते हैं लेकिन ये काम ये करोगे तो क्या होगा सुसुखम कर्तुम अव्यवम सुसुखम हो जाएगा करतुम अव्यवम तो करेंगे तब तो क्या होगा सुख मिलेगा इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी हाँ या मृत्यु के बाद में भी तो ये बहुत बड़ा ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने दिया है अब इस ज्ञान को अभी हमारा सौभाग्य है कि अगली एकादशी जो है ये गीता जयंती की एकादशी आ रही है तो वो निमित्त से हम गीता को थोड़ा गहराई में हर किसी ने समझने का प्रयास करना चाहिए तो गीता के हम कुछ चर्चा ये करेंगे कि हमारे लिए पांच शुभ समाचार है भगवद्गीता के पांच शुभ समाचार उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो पहला शुभ समाचार है कि हम शरीर नहीं आत्मा है क्या सबको गारंटी है क्या हम शरीर नहीं आत्मा है करके किसको नहीं है हम तो कार्य तो शरीर के लिए करते दिन रात कार्य किसके लिए करते शरीर के लिए और गारंटी सबको है हम आत्मा है क्योंकि शरीर का सुख ही देखते हैं हम हर कोई किसका सुख देखता है शरीर का सुख देखता है मुझे किस प्रकार से आनंद मिले मुझे किस प्रकार से सुख मिले ये सुख कहा कैसे मिलता हमको पता है शरीर किससे बना है पांच पंच महाभूतों से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच महाभूतों से बना है और ये अगर शरीर को आनंद देना है तो ये पांच महाभूतों से ही हमको आनंद मिल सकता है कोई भी व्यक्ति वस्तु जो भी इस चीज से इससे बना है पांच भूतों से पांच महाभूतों से वो ही हमको आनंद दे क्योंकि क्या है हम उससे बने हैं जो कहा गया है कि जो हम मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी में ही मिलने वाले हैं हाँ हमारा शरीर जो पांच भूतों से हमारी हड्डियाँ ये पृथ्वी से बनी है रक्त जो है ये जल व जो ये है तत्वों से है हमारा पेट के अंदर जो गैप है वो आकाश तत्व है जो वायु है पांच वायु वो वायु तत्व है और अग्नि तत्व क्या है जो भी हम दिन रात डालते रहते हैं पचाने का काम कौन करता है पचाने का काम हमारा अग्नि तत्व का तो हमारे पांच तत्वों से हमारे शरीर बना है और ये जब शरीर खत्म होगा ये पांच तत्वों में मिलने वाला है ऐसा नहीं कि शरीर खत्म होने के बाद में हम दूसरी जगहों पर जाएंगे कुछ नहीं शरीर की आखिर मिट्टी बनने वाली है जलाने के बाद में क्या होता है राख बन जाती है राख कहां मिलने वाली है जहां से आए हैं वहीं मिलने वाला है तो इस शरीर को सुख देने वाला कौन सा तत्व है से बनाए पंच महाभूत और हम बात कर रहे आत्मा की आत्मा है हम आत्मा है यानी कैसे पहचानेंगे कैसे पहचानते हम जैसे आपको पूछा शरीर किसका है या शरीर किसका है तुम क्या बोलते मेरा है ये शर्ट किसका है मेरा है हाथ किसका है मेरा है कान किसका है मेरा है आप कभी ये बोले क्या कान मैं हूं शर्ट मैं हूँ हाँ शरीर मैं हूँ ऐसा बोला है मतलब शर्ट और मैं बोलने वाला दोनों अलग है शरीर और मैं बोलने वाला दोनों अलग है इसका मतलब शरीर के अंदर मैं बोलने वाला कोई और है कौन है वो वो है आत्मा हु? किसी की मृत्यु हो जाती है मृत्यु होने के बाद में और पांच मिनट पहले मेरे से बात कर रहा था अभी अभी पढ़ा है और क्या बोलते हैं हम चला गया अरे कहाँ चला गया वो तो यहीं है वो तो हमारे सामने है और क्या बोलते फिर भी चला गया हा? ते गेले तो अरे गेले कुछ पढ़ ले, ले थे। तो कहने का मतलब क्या है आत्मा और हम अलग अलग है तो ये भौतिक जगत के अंदर जो भी चीजें होती है शरीर भी जो है ये सब खत्म होने वाले हैं लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है जो कभी भी मरती नहीं आत्मा क्या करती है आत्मा के बारे में भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बहुत गहराई में भगवान ने बताया कि आत्मा का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है तो उसमें भगवान बताते हैं ये शरीर भले नष्ट हो जाए दूसरे अध्याय के बीसवें श्लोक में बताते हैं न जायते भ्रियते व कदाचित नया नायम भूतवा भविता न भोया अद्यो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर शरीर का नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता अगले श्लोक में बोलते हैं नैनम चिन्हन शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्ले दंतापो न शोषती मारुता इस आत्मा को ना तो कोई मार सकता है ना काट सकता है ना जला सकता है ना भिगो सकता है आत्मा शाश्वत है और ये आत्मा क्या करती है आत्मा क्या करती है आत्मा का कार्य क्या है दो ही कार्य है क्या कार्य है जैसे हमारे पास शर्ट हमारे शर्ट है शर्ट बहुत दिन से बढ़ रहे पहन रहे हैं और शर्ट फटने को आ गया क्या करते हैं आप शर्ट को बदल देते हैं है आत्मा भी वैसी करते है। आत्मा कुछ और और कोई नहीं काम करती क्या है ये शरीर जो है ये शर्ट है उनका और इसको गंदा गंदा हो गया तो क्या करते है? बदल देते हैं बदल देती है भगवान गीता में दूसरे अध्याय के अठारहवे श्लोक के अंदर अठारह या कुछ है वासासी जीर्णानी यथा विहय नवानी गृहनाथी नरोपरानी यथाशरानी विह्य जिर्णान्य नवानी सया नवानी देही मतलब क्या वासासी जीर्णानी जब शरीर जीर्ण हो जाता है जिस प्रकार से हम शर्ट बदलते हैं उस प्रकार से आत्मा भी अपना ये शर्ट बदल लेता है और दूसरे शरीर में चला जाता है तो ये हमको ये समझना है कि आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन हर कोई किसके लिए कार्य कर रहा है शरीर के लिए जैसे कार होती है ना हाँ तो कार और कार पड़ी है कई सालों से तो कुछ चलने कर, करने वाले उसके लिए चलाने वाला क्या होना ड्राइवर ड्राइवर अलग है कार अलग है हम क्या अपने आप को समझ रहे हैं हम कार्य हम शरीर के लिए कार्य करें सब लोग शरीर के लिए कार्य करें और क्या बोलते हैं कार अहंकार अयंकार कार करते करते अहंकार 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 हो जाता है हा? तो हम अहंकार में है ये शरीर के अहंकार में एक्चुअली हम वो शरीर नहीं है आत्मा सच्चिदानंद है इसलिए कहा गया है कि शरीर जो आनंद लेना है वो पंच महाभूतों से लेना पड़ेगा आत्मा को आनंद किससे लेना पड़ेगा आत्मा सच्चिदानंद है और भगवान कृष्ण भी सच्चिदानंद है तो जैसे शरीर पांच महाभूतों से बना है उसको आनंद पांच महाभूतों से मिलेगा वैसे आत्मा सच्चिदानंद है और भगवान कृष्ण भी सच्चिदानंद है आत्मा को आनंद कहां से मिलेगा जब सच्चिदानंद से जुड़ेंगे तो तो भगवान बोलते हैं कि मैं सच्चिदानंद हूँ तो मुझसे जुड़ो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से जुड़ जाता है उसको आनंद ही आनंद सु सुखम कर तुम अव्यम सुख ही सुख है उसके जीवन के अंदर ये भगवत गीता का पहला शुभ समाचार क्या शुभ समाचार है हम शरीर नहीं आत्मा है दूसरा हम इस जगत के नहीं है हम कहां के हैं? कहां के औरंगाबाद के चेहरे। तो भगवान बोलते हैं कि तुम इस जगत के नहीं हो तुम्हारा जगत जो ये जगह है ना ये सब किराए का घर है हाँ जिस दिन किराया नहीं भरा उस दिन क्या होगा तुमको छोड़ना पड़ेगा उसी प्रकार से जिस दिन ये शरीर का टाइम हो गया उस वक्त ये आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा तो बोलते ये ये जो है ये इस जगत के अंदर ये जो है ये जगत के हम नहीं हैं इसका मतलब हमारा कोई तो भी परमानेंट एड्रेस होना चाहिए ना तो भगवान बोलते परमानेंट एड्रेस कौन कौन सा होता है जैसे अभी स्टूडेंट है यहाँ अपने पास तो स्टूडेंट अभी यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके माता पिता कहीं गांव रहते तो यहाँ आपको जो फॉर्म भरते तो उसके अंदर क्या लिखना पड़ता योर परमानेंट एड्रेस तो कहाँ का लिखते आप अप? अपने माता पिता का भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कि मैं ही तुम्हारे माता पिता हूँ गतिर भरता प्रभु साक्षी मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ इवन हमारे तुकाराम महाराज भी बोलते हैं न? कृष्ण माझी माता कृष्ण माजे पिता कृष्ण माजे बंधु कृष्ण माझा सखा तो भगवान भगवान हमारे कौन है माता पिता है तो पिता हमारे वो है भगवान ने भी गीता में बोला है ऐसा नहीं कि हम समझे इसलिए नहीं गीता में दो जगह बोला है आपको भगवत गीता में चौदहवें अध्याय का चौथे श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं सर्व योनिषु कौनते या मूर्तया संभव याद पिता मैं सब जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूं सब जीवों का मतलब सब वृक्ष रहो कुत्ता रहो बिल्ली रहो मच्छर रहो किस हर एक का जीव बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान कृष्ण है और एक जोर बोलते हैं पंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक में ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना हुँ? ये सब जीव जो है ये मेरे अंश है पिता के हम क्या है बेटा जो होता है वो अंश होता है तो हम उनके पुत्र है तो पुत्र का घर आपको एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस वहां दिया रहते यहाँ वो तो वैसे ही हम भी इस जगत में रह रहे हैं हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ है हमारे पिता का घर पिता घर का घर कहाँ है भगवान कृष्ण बोले मैं तुम्हारे पिता हूँ तो हमारा वो घर परमानेंट है तो भगवान बोलते हैं यहाँ ये जिस किराए के घर में ज्यादा मत रहो हो वो जो परमानेंट घर में आने का प्रयास करो और परमानेंट घर में आने का है तो फिर जाने का, जाने का तरीका बता, क्या है अभी कोई पूछेगा भाई जाने का है रास्ता तो बताओ ना रास्ता ही नहीं बताएंगे तो फिर कैसे जाएंगे हम तो भगवान ने रास्ता बताया कलियुग के अंदर केवल कलि युग केवल नाम आधारा सुमित सुमेरन पार नहीं पा रामायण में लिखा है कलियुग के अंदर केवल भगवान का नाम भगवान भगवदगीता में अलग अलग जगहों पर बताते हैं कि केवल मेरा नाम लो और मेरे धाम में आओ कितना इजी है कलियुग के लिए तो सबसे ज्यादा इजी है कलियुग में अभी हम पढ़ते हैं तो आठवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में भगवान बताते हैं अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्यशाह तस्याम सुलभम पार्थ नित्य युक्त सुयोगिना जो मेरा नाम सतत लेता है अनन्य चेता और कैसे अनन्य चित्त से लेता है सततम योमा अध्याय में बोलते अध्याय में बोलते हैं नित्य है? भी चलेगा दृढ़ भी चलेगा लेकिन बोलते इतना भी नहीं और भी गहराई में क्या बोलते हैं दसवें अध्याय के दसवें श्लोक में तेसाम सतताना वही चीज भजता प्रीतिपूर्वक लेकिन आप कैसा बोलते हैं मेरा नाम कैसा लो पूरे प्रेम से लो जब हम पूरे प्रेम से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि युगम तम तब तब मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा काय की बुद्धि दूंगा हाँ पिक्चर देखने की पढ़ाई करने की हाँ तो भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि युगम तम ये न थे वो मेरे पास कैसे आएगा मेरे धाम में कैसे आएगा और भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं भगवान बोलते हैं मेरे धाम में आने का है तो मेरा धाम कैसा है वो भी जहां पहुँचना है वो भी मालूम होना चाहिए मु बम्बई जाना है तो बम्बई कैसा है पता तो हम लगाते हैं गूगल पर ढूंढते हैं लेकिन लगाते तो है पता तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कोई बात नहीं मैं तुमको गूगल पर बता देता हूँ मेरे धाम का एड्रेस हम्म तो बताते हैं दो श्लोकों में भगवत गीता में बताते हैं एक तो आठवें अध्याय के इक्कीसवें श्लोक में बताते हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्तम आहु परमागति यह प्राप्य न निवर्तनते तत् धाम परम मम मेरा धाम कैसा है कि जो अव्यक्त है मतलब सबको दिखता नहीं हव्यक्तोक्षर अक्षर अक्षर मतलब कोई नष्ट नहीं होने वाला इत्युक्तम सबसे श्रेष्ठ चीज है हा? और वो कब कब मिलेगा वो आहु परमागति आहु परमागति मतलब जो प्राप्त करने की इच्छा करेगा मेहनत करेगा प्राप्त करने की मन में आ गया कि यहाँ जाना है तो ऐसा नहीं कि टिकट निकाल लिया बैठ गया वैसा नहीं आहु प्रयास करना पड़ेगा जब पूरी तरह से कोई प्रयास करेगा आहु तब उसको वो परम गति मिलेगी और फिर क्या होगा परम गति मिली तो यह प्राप्य जब मिल गया न निवर्तन थे फिर से वापस इस रोने धोने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर वाले जगत में फिर से आना नहीं पड़ेगा नहीं तो फिर पहले कोरोना आया अभी इन्फ्लुएंजा चालू है अभी और कुछ तो भी नया एक वायरस चाइना से आ रहा है हुँ? तो हमारे तो ये ये चालू रहने वाला है ये कहीं हम छूटने वाला नहीं और कब किसको पकड़ेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं तो हमको ये देखना है कि उसके पकड़ में आने के बजाय हम भगवान की पकड़ में आ जाए हुँ? तो वो पकड़ में अगर आना है तो भगवान बोलते हैं केवल बोल मेरा नाम लो भगवान ने भगवदगीता में बताया है सब जगह आप अगर भगवदगीता को अच्छी तरह से समझो भगवत गीता में हर जगह बताया भगवत गीता में ये बताते हैं कि ये नाम कौन ले सकता है भगवान बोलते मेरा नाम लो लेकिन कौन ले सकता है हम रस्ते पर जाते हैं तो किसी को बोला वो भी लेता है क्या वो भी भगवत धाम जाएगा नहीं जाएगा फिर भगवत धाम कौन जाएगा नाम तो ले रहे फिर भगवत धाम जाएगा कौन भगवान बोलते उसके लिए तुमको नाम पूरे भक्ति से भक्तिमय प्रेम से लेना पड़ेगा भगवान गीता में दो श्लोकों में बताते हैं कि मुझे जान या मेरे तक पहुंचने का एक ही तरीका है मुझे कोई जान भी सकता है देख भी सकता है और मेरे धाम में प्रवेश भी कर सकता है एक ही तरीका है और वो तरीका क्या है भगवान भगवदगीता में बताते हैं ग्यारहवें अध्याय के चौपनवे श्लोक में बताते हैं भक्त्या तू अन्य शक्य केवल भक्ति के द्वारा अनन्य मतलब ये ओनली इट इज पॉसिबल ह भक्तिया तू यानी केवल और केवल भक्ति के अलावा भक्त्या अनन्या शक्य शक्य मतलब पॉसिबल है ए, भक्त्या अनन्या शक्य तद्विदो एव अर्जुन अर्जुन तुम समझ लो हा? और क्या बोलते हैं ज्ञातुम दृष्टम च तत्व न प्रविष्टम च परंतप तीन चीजों के बारे में बताते ज्ञातुम ज्ञातुम मतलब जानना दृष्टम दुष्टम यानी देखना और तत्वम नुम दूसरम चाहे तत्वेन न तत्व मतलब भगवान को तत्वतः समझना ये तीन चीज ये तीन चीज कब किसी को मिलेगी भक्तिया तो अन्य शक्य केवल भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्ति तो जो पूरे प्रेम से भगवान का नाम लेता वो उसको ये पूरी ये शुद्ध भक्ति मिलेगी लेकिन वो पूरा प्रेम कैसे आएगा बोल दिया माला करो कर ली आते सवेरे हम यहाँ आते तो बोलते ना माला की देते प्रभु जी हो गई उस माला में नहीं माला जो होना कैसे होना भगवान का नाम लेना है तो पूरे प्रेम से जिस प्रकार से प्रभुपा जी बताते थे कि जैसे एक बच्चा है छोटा बच्चा वो अपने माँ से बिछुड़ गया माँ नहीं मिल रही तो क्या करता है रोना शुरू कर देता है उसको तुम लॉलीपॉप दो खिलौना दो उसको कुछ नहीं होना उसको क्या होना केवल माँ से मिलना है तो उस भाव से जब हम भगवान का नाम लेंगे तब भगवान बोलते हैं तो अर्जुन को बोल रहे कि हे अर्जुन जिस प्रकार से तुम मुझे जान रहे हो भक्तियाँ तो अन्य अशक्य तत्व ना तुम दुष्टम तत्व ना जिस प्रकार से तुम मुझे जान रहे हो वैसा कोई भी व्यक्ति मुझे जान सकता है लेकिन उसके लिए क्या होना भक्ति दृष्टम देख सकता है हम भगवान को देख सकते हैं लेकिन उसके लिए चीज़ क्या होना भक्ति और तत्वता भगवान को जान भी सकते हैं और यहाँ तक कि प्रविष्टम भगवान के धाम में भी हम प्रवेश कर सकते हैं केवल और केवल भक्ति द्वारा ये ग्यारहवें अध्याय में बताया यही चीज अठारहवें अध्याय के पचपनवें श्लोक में बोलते हैं एटीन फिफ्टी फाइव में बताते हैं माम अभी जानाती भक्ति द्वारा ही कोई मुझे जान सकता है भक्त्यामाम जानाती यावन अश्चास्मित तत्वता वापस वही चीज तत्वता मुझे कोई जान सकता है तत्व मा तत्व तो ज्ञातवा विषते व्यक्ति पूरे विषयों से दूर होकर मेरे धाम में आ सकता है तो ये दूसरी चीज दो शुभ समाचार हम पांच शुभ समाचार देख रहे थे पहला शुभ समाचार क्या था हम शरीर नहीं आत्मा है दूसरा हम इस जगत के नहीं तीसरा इस जगत में सब कुछ क्षणिक है सब कुछ नष्ट होने वाला है क्षणिक है और ये ज्ञान जो है हर जीव के लिए है मतलब जिसको बुद्धि है ऐसे जीव के लिए बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी कौन होते हैं मनुष्य होते हैं तो सब बुद्धिजीवों के लिए है हा? पर कितने बुद्धिजीव भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं कितने बुद्धिजीव गीता को समझना के प्रयास करना चाहते हैं बहुत कम है भगवान भी बोलते हैं कि मेरी भगवत गीता को समझने वाले बहुत कम हैं सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में बता रहे मनुष्याणाम सहस्त्रेशु कश्चित यथति सिद्ध है यतताम अपनी सिद्धान कश्चिन माँ व्यक्ति तत्वता इस जगत में हजारों में से एक व्यक्ति होता है कि जो सिद्धि प्राप्त है मतलब भगवान को जानने का भगवान कौन है मतलब तैतीस कोटि देव देवता में कौन भगवान है ये समझने का हजार में से एक व्यक्ति प्रयास करता है दूसरे हजार में से एक व्यक्ति प्रयास तीसरे हजार में से ये एक एक जब होते हैं ये समझना क्या चाह रहे हैं भगवान कौन है उसके बाद में ये जब एक हजार हो जाते हैं उसमें से एक व्यक्ति निकलता है, इन, इन है यह समझने वाला एक व्यक्ति निकलता है इसलिए बताया है कि इतना पद्म पुराण में भी आता है पद्म पुराण में बोला है कोटि कोटि लोग ज्ञानी मधे एक जन मुक्त और कोटि कोटि मुक्त मधे दुर्लभ कृष्ण भक्त हुं? मतलब कोटि कोटि ज्ञान प्राप्त करते हैं बहुत शास्त्रों का उसके अंदर एक व्यक्ति मुक्त होता है और ऐसे अगर करोड़ों मुक्त लिए उसमें से एक बड़ी मुश्किल से भगवान कृष्ण का भक्त मिलता है तो भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत डिफिकल्ट है लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमको बहुत सिंपल हो गई उनके कारण अरे जो भगवान कृष्ण को जानते ही नहीं थे प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए जहाँ कृष्ण नाम क्या है यही पता नहीं कृष्ण किसके साथ किस चीज़ से खाया जाता है ये मालूम नहीं था ऐसे लोग थे क्या ऐसे लोगों को प्रभु जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति दी आज वो इतने बड़े बड़े भक्त बन गए एक व्यक्ति जाकर ये कार्य करता है इमेजिन करो हम एक हम यहाँ प्रयास कर रहे कई कई सालों से कितना है किसी को भी भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं आया आ रहे संडे के दिन आ रहे हैं कितने लोग इसमें से जब करते कितने लोग जब करते हैं देखिए इसमें से मतलब दस दस परसेंट लोग जब करते हैं लेकिन भगवत गीता बताती है अगर आप भगवान कृष्ण के नाम का जप करना शुरू करोगे तो ही आपका जीवन सफल होगा अगर आप वो नाम नहीं लोगे कलयुग का तो ये युग धर्म ही है कि भगवान का नाम अगर वो नाम नहीं लोगे तो क्या हो गए कलियुग के चक्कर में फंसे रहोगे श्रीमद भागवत में एक श्लोक आता है कलेर दोष निधे राजन का ये कालियुग कैसा है दोषों का निधि निधि यानी सागर है दोषों का सागर ही सागर है इतना बड़ा सागर है कि इसके अंदर दोष ही दोष है लेकिन भगवान देखो कितने दयालु है हस्ती एक महान गुण है इसलिए इसमें एक महान गुण है दोषों का सागर रहते हुए भी एक महान गुण है क्या महान गुण है देखो कितना हमारे लिए कितना सिंपल करके दिया कलेर दोष निधे राजस्ती को महान गुणा कीर्तनाते व कृष्ण से मुक्त संग परम वजे जो भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका उसका जीवन सफल हो सकता है कितना सिंपल है और ये नाम लेना कितना ही कितना सिंपल करके दिया है चैतन्य महाभु ने कितना सिंपल करके दिया है स्थाने स्थित स्तिगता तनुवांग आप जिस स्थान में रहते हो जो कार्य कर रहे हो जो जहाँ घूम रहे हो जिस आप जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में भी आप भगवान का नाम ले सकते हो आप जूते पहने हैं तो भी भगवान का नाम ले सकते बाकी नाम आपको अलाउड नहीं है जिसके साथ ओम लगा है ऐसे नाम आप जूते पहन के मतलब अशुद्ध व्यवस्था अवस्था में नहीं ले सकते लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है जो आप कहीं घूमते रहे कुछ भी कार्य करते रहे खाते वक्त यूरिन करते वक्त लेडीज में मेंसेस के वक्त हर कोई भी व्यक्ति ये नाम ले हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई तो हम बोलते दस दिन मंदिर बंद कर दो लेकिन ये नाम बनने नाम ले सकते हैं किसी का जन्म हुआ तो भी नाम ले इतना श्रेष्ठ नाम है इसलिए इसको कहा गया है महामंत्र ये मंत्र नहीं है ये महामंत्र है जो व्यक्ति अपने जीवन में इस महामंत्र को उतारता है जो व्यक्ति इसको लेता है और रोज कम से कम शुरुआत करना है तो अभी कल ही एकादशी हुई है तो आप हर किसी ने ये प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र लेना चाहिए एक माला अगर करते हैं आप एक माला को बहुत टाइम नहीं लगता हमको लोगों के बहुत मस्ती गप्पे मारने के लिए बहुत टाइम मिल जाता लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए मोबाइल टीवी इंटरनेट ये देखने के लिए घंटों निकल जाते हैं लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए दस मिनट कितना टाइम लगता है एक माला करने को नए लोगों को दस मिनट ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से ले तो जब आदत हो जाती है तो छः साढ़े छः मिनट में भी हो जाता है क्या तो कितना इजी है इतना टाइम हम हमारे लिए नहीं निकाल सकते अगर यहां से किसी को बोला बोला अरे वो अर्जेंट काम है वहां चलो तो वो सब छोड़ देगा पहले जाएगा हाँ किसी का दूसरे का काम करने के लिए भी जाएगा और खुद का भला हम क्या कर रहे हैं ये नाम लेना है नहीं मेरा भला नहीं है आप नाम लेंगे तो मेरा कोई भला होने वाला नहीं उसके अंदर किसका भला होने वाला है ये भगवान नाम ये जो है ये जैसे हम बैंक में हम एफ करते ना तो कोई भी बैंक में एफ किया बहुत पैसा जमा कर लिया और जमा करने के बाद में हमारा राम नाम सत्य हो गए तो क्या काम का वो पैसा कुछ काम आएगा अगले जन्म में तुमको याद आया मागचा जन्मा आठवणी हाँ और याद आया पिछले जन्म में मैंने यहाँ ये बैंक में एफडी किया था पड़ोस वाले के घर में आपको जन्म मिला अब आप, आपको याद आ गया मैंने एफ किया था और जाके बोलो उसको तुम्हारे बेटे को पहले जन्म के बेटा मैंने उसमें एफ किया था वो पहले जूते मार के हकाल देगा आपको काहे का बाप और काय का मेरे पैसे हो तो बराबर है हा? तो हम एफ करते हैं अगर वो एफ हमारे कब तक काम आएगी जब तक ये शरीर है लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्री की एफ कैसी है मालूम क्या ये शरीर जब तक है तब तक तो यह हमको आनंद देती है लेकिन यह शरीर के बाद में भी हमारे साथ में रहती है इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के चालीसवें श्लोक में नेहा भी क्रम नाशोस्ती प्रत्यय न विद्य थे स्वल्पम अप्य से किसी ने थोड़ा सा भी भगवान का नाम लिया है स्वल्पम अपर्म से आयत महत्व जन्म मृत्यु के जो भय है इससे बाहर निकाल देती है केवल भगवान का नाम लेने से अगर हर कोई अपने जीवन में भगवान का नाम लेगा भगवान एक माला करने को दस मिनट भी नहीं लगते तो उतना अगर खुद के लिए मिनट निकालेगा तो किसका भला हमारा खुद का भला होगा खुद का अगला जीवन सुधरेगा तो ये प्रयास करना है हुं? तो ये ये तीसरी चीज हाँ इस भौतिक भो, जगत में सब कुछ क्षणिक है क्षणिक का मतलब क्या है इस जगत में हम कुछ भी प्राप्त करते हैं तो वो नष्ट होने वाला है इसलिए भगवान भगवत गीता में पांचवा अध्याय के बाईसवें श्लोक में बोलते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने वयवते आद्यंत तो वंत तो कौनते ही न तेषु रमते बुधा बुद्धिमान व्यक्ति न बुधा बुधा बुद्धि बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति इसमें भा, ध्यान नहीं देता किसमें यही संस्पर्श जाब होगा ये जो स्पर्श का सुख है आंखों का स्पर्श नाक का स्पर्श नाक को भी जो अच्छी चीज सूंघने को मिली तो उसको आनंद मिलता है आंख को कोई अच्छा देखने को मिला तो आनंद जीव को कुछ अच्छा खाने को मिला तो आनंद लगता है शरीर को कुछ स्पर्श करने को मिला तो आनंद लगता है तो ये जो स्पर्श का सुख है हमारे इंद्रियों का यही संस्पर्श जाप होगा इससे भोग हम कर रहे हैं क्या होता है दुख योने वे होते ये हमको दुख देने वाला है क्यों दुख देने वाला है क्योंकि आद्यंतवंत कौन थे इसका आदि और अंत है हमको जितना भी सुख मिलता है उसका आदि होता है और अंत होता है लेकिन भगवान की भक्ति का क्या है इट इज करतुम अव्ययम सुसुखम करतुम अव्ययम जितना भी करते जाओ आपको आनंद ही आनंद बढ़ते आनंद वर्धनम प्रतिपदम हर पद पर आपको आनंद मिलते जाएगा तो ये भगवान की भक्ति है तो ये तीसरी चीज चौथी चीज वहां जाने का हमने उस पर चर्चा कर ली चौथी चीज वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है हा? तो उस पर हमने पूरी पहले चर्चा कर ली कौन सा है केवल और केवल भगवान का नाम और भक्ति हा? और पांचवी चीज़ वहाँ जाने के बाद में फिर से इस भौतिक जगत रोने धोने वाले जगत में हमको आना नहीं पड़ेगा वो भी तो वो भी हमको मिलेगा तो कौन सा है उसके लिए दो श्लोकों में मैंने बोला था एक तो हमने आठवें अध्याय का इक्कीसवा श्लोक बोला अव्यक्तोक् रित्युक्तम उसके बारे में बताया दूसरा है पंद्रहवें अध्याय के छठे श्लोक में भी भगवान बताते हैं पंद्रहवें अध्याय के छठे श्लोक में क्या बोलते हैं न तदभाष थे सूर्यो न शशांको न पाव का यद गत्वा न निवर्तन तद धाम अपर माम के बारे में बता रहे कि वहां आने के लिए लेकिन वहां आने के लिए भगवान ने कुछ क्वालिफिकेशन दिए हैं सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है भगवान बोलते मेरा नाम ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन वो नाम लेना शुरू कर दिया तो बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती है कलयुग के लिए सबसे युग धर्म होता है हर एक युग का सत्य युग का युग धर्म था तपस्या करना त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ करना द्वापर युग का युग धर्म था देव भगवान की सेवा करना कलयुग में ना तो हमसे तपस्या होती है तपस्या होगी क्या अगर हम बोले यहाँ अभी अब तीन घंटे यहाँ लेक्चर होगा कितने लोग रुकेंगे तीन घंटे हमसे पैंतालीस मिनट पचास मिनट मैक्सिमम एक घंटा एक घंटे के ऊपर फिर शुरू हो जाता इधर देख उधर देख फिर मेरे को इनका चिट्ठी आ जाती तो ये जी टाइम हो गया <laughs> तो हमसे तपस्या होती नहीं हु? दूसरा यज्ञ यज्ञ तो पॉसिबल ही नहीं तीसरा सेवा सेवा करने को हाँ करेंगे बिल्कुल एंथुजियाजम शुरुआत में बहुत ऐसा रहता और फिर रोज अरे काय रोज से चल रहे तो फिर बाद में हम ढिल्ले पड़ जाते हैं इसलिए भगवान ने भी जानते हैं कि ये लोग कैसे है क्या इसलिए हमारे लिए तपस्या भी नहीं रखी यज्ञ भी नहीं रखा सेवा भी नहीं बोले कलो तद हरि कीर्तनार्थ कलयुग में हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे और वो करने का फाइनल तरीका बता दिया क्या फाइनल तरीका है एबीसीडी एबीसीडी ऑफ भक्ति हुँ? भक्ति की हम हर कोई भी कार्य करते तो क्या करते हैं एबीसीडी से शुरू करते हैं भक्ति की भी एबीसीडी बताइए क्या है भक्ति की एबीसीडी ए ए फॉर एसोसिएशन भक्तों का संघ जब तक भक्तों के संघ में बैठकर हम भगवत गीता को नहीं समझेंगे आपको भगवत गीता दे दी आप पढ़ो दो चार ये श्लोक पढ़ेंगे अरे कहीं कह नहीं जाओ जैसे हमारा भी हुआ था हमने भी पहले ऐसे किया था पढ़ना शुरू किया दो चार श्लोक पढ़े अरे कुछ का नहीं जाओ जसी आए तसी लेकिन जब भक्तों का संग हुआ भक्तों से समझ में आया सम, समझने का प्रयास किया जब अच्छी तरह से समझने लग गया तब पता चला कि गीता में कितना गहरा ज्ञान है हमारे जीवन का कोई भी प्रश्न हो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपको गीता में उत्तर मिलेगा इतनी श्रेष्ठ भगवत गीता है और वो भगवत गीता को हमारे लिए सिंपल करके दिया है प्रभुपाद जी ने ये प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता दिया भगवदगीता पर सात सौ बयालीस लोगों ने टीका टिप्पणियां लिखी है हा? लेकिन हर एक ने क्या लिखा है ये भगवद, हम, ये भगवत भगवत हम गीता के श्लोक का मुझे क्या अर्थ लगता है तुमको लगता है ये अर्थ है इसका वो बोलता है नहीं मुझे वो दूसरा अर्थ लगता वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है अरे तुमको कौन पूछ रहा कि तुमको क्या अर्थ लग रहा है तुमको कौन पूछ रहा है भगवान क्या कहना चाहते हैं यह समझना है या मुझे क्या लगता है हां जैसे कि भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय का पांचवा श्लोक है वेदा वेद का 15वां श्लोक है सर्वस्व चाहं तो एक ने उसका काफी क्या किया सर्वस्व सबसे अच्छा चाय क्या लगता है चाय बुद्धि मेरे उधर को बहुत अच्छा लगती है सुनिए स्टो, स्टोव पर बनाई हुई चाय तो हर कोई अपने दिमाग से ये ट्रांसलेशन करता है क्या और उसका मतलब सही मतलब क्या है सर्वस्व अहम भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हरे के हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूं ये उसका मीनिंग क्या निकाले रो स्टोवर बनी हुई चाय बहुत अच्छी लगती तो कहने का मतलब ये सात सौ बयालीस लोगों ने ऐसी इसी प्रकार से उसका अर्थ निकाला है लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया प्रभुपाद जी ने भी ये भगवदगीता वही है श्लोक कोई बदले नहीं वही भगवदगीता के श्लोक है लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया भगवान क्या कहना चाहते है जसे आहे तसी हेज इट इज जो भगवान कहना चाहते हैं और उसका क्या फर्क पड़ा सात लोगों ने लिखा उनको कोई जानता भी नहीं और जिन प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया आज 40 करोड़ भगवत गीता हर साल बेची जाती है हर साल लोगों को दी जाती है, कितना 40 करोड़ और ये भगवत गीता पढ़ने के बाद में हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ गया एक बार हमारे भक्त गए थे साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका में जी ने बोला कि भाई साउथ अफ्रीका में कोई आ, कोई अभी तक भगवान कृष्ण को जानता नहीं तो तुम जाओ वहाँ प्रचार करो तो वो साउथ अफ्रीका गए हमारे कौन से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या कोई न? तो वो गए वहाँ गए और जैसे इससे गए थे नहीं बस नहीं बोन वॉयज मतलब जहाज से और जहाज से पहुँचे और वहाँ उतरे उतरे तो एक व्यक्ति उनको सामने मिला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कुछ तो भी ऐसे कर रहा था वो मतलब उसको उसक, उनके लैंग्वेज में तो ये देखे भाई मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ यहाँ तो कोई भक्त नहीं है और ये क्या कर रहा तो वो वहाँ जहाज को सफाई करने वाला व्यक्ति था और वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा था उनकी भाषा में क्या इनको थोड़ा थोड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कुछ तो समझ में आए इन्होंने उसको पूछा बात किया कि भाई तुम ये कैसे बोल रहे क्या है अब लैंग्वेज भी नहीं कुछ समझ में आ रही थी तो बोले तो उसने बताया उसने क्या समझाया बोले मैं सफाई कर्मचारी हूँ और ये जहाज़ जो आती है बहुत एक दिन मैं वो कचरे का ये था ना वो साफ कर रहा था तो साफ करते करते मेरे हाथ को कुछ अंदर लगा मैंने निकाला देखा तो एक बुक था और वो बुक का क्या था भगवत गीता थी मैंने उसको ट्रांसलेशन कैसे तो भी किसी से पूछ पाछ के ट्रांसलेशन से समझने का प्रयास किया इंग्लिश से ये और मुझे बहुत अच्छी लगी तब से मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ अभी बोलिए जहाँ कोई पहुँचा नहीं हाँ जहाँ कोई गया नहीं वहाँ प्रभुपाद जी की भगवत गीता पहुँच जाती है ये प्रभुपाद जी का ये है देखिए कितनी बड़ी बात है और वो प्रभुपाद जी ने हमको भगवत गीता दी है जिससे आज हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं अगर ये प्रभुपाद जी नहीं होते तो शायद हम अभी कोई पिक्चर में होता कोई बार में बैठा होता कोई होटल में बैठा होता नहीं क्या आज हम सब यहाँ बैठे हैं केवल केवल और केवल एक व्यक्ति के कारण और उनकी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन भला हो जीवन का भला हो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनका जीवन का भला होगा तो इसलिए हम ये दिसंबर महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवत गीता को पहुंचाने का प्रयास करते हैं ये एक बहुत बड़ी सेवा है ये ये नहीं है कि सेल करने का कार्य नहीं है लोग बोलते हैं भाई ये भगवदगीता के तुम चार्जेस ले रहे हो अरे चार्जेस किस लिए उसको प्रिंटिंग करना पड़ता है प्रिंटिंग करके अगर देंगे चालीस करोड़ अगर भगवत गीता देनी है फ्री देंगे तो कितना पैसा लगेगा कहाँ से आएगा तो और भगवत गीता लो एक एक बार तो एक बोला कि भगवत गीता बोले तुम्हारे भगवान ने तो कुरुक्षेत्र में बोली थी और वो फ्री में बोली थी तुम उसके पैसे कैसे ले रहे हो तो वो भक्त भी बहुत होशियार था बोले हाँ बोले भगवत गीता फ्री में बुनन बोली थी हम भी फ्री में दे रहे सिर्फ वहाँ से यहाँ लाने के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे तो कहने का मतलब क्या है इसको हम प्रिंटिंग का जितना खर्चा लगता है उतना ही लेते हैं लेकिन पर्पज़ उसके पीछे का ये नहीं है पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो गीता पहुँचे और वो निमित्त से हम ये भगवत गीता का ये महीने में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और यहाँ हम इवन भगवत गीता का तुला दान भी किया जाता है कि जो अपने वेट के इतना भगवत गीता का तुला दान करता है तो भगवान बोलते हैं कि जो देता है या का है। या डिस्ट्रीब्यूशन दूसरों करता भूतकाल में, में, में भविष्य मतलब में, में और अभी उसके इतना प्रिय मुझे और कोई नहीं होगा कौन सा व्यक्ति जो भगवदगीता का ज्ञान दूसरों को देता है भगवदगीता का वितरण दूसरों को करता है हुं? तो पहली चीज़ तो हमको ज्ञान देने के पहले हमको पढ़नी पड़ेगी जब हम लेंगे तो पढ़ेंगे तो फिर हमको ज्ञान आएगा पहली चीज़ और जब ज्ञान आएगा तो हमको दूसरों को समझाना है हाँ दूसरों को वितरित करना है और तीसरी चीज़ क्या है हम क्या करते हैं कोई भी फंक्शन को जाते हैं किसी का यहाँ किसी का बर्थडे है मैरिज एनिवर्सरी है हाँ कुछ नहीं तो बाढ़ से है कोना से तो क्या करते हैं हम जाते हैं पाकिट दे के आते हैं अरे पाकिट देना बंद करो पाकिट की जगह गीता देना शुरू करो वो भगवत गीता एक टाइम बॉम्ब है वो देने के बाद में पता नहीं किस दिन वो बॉम्ब बर्स्ट होगा टाइम बॉम्ब कभी भी वो बर्स्ट हो सकता है हो सकता है उसने लेकर आए जसिया रख दिया लेकिन एक दिन आएगा उस दिन वो निकाल कर जब पढ़ेगा तो उसका भी जीवन सफल हो जाएगा तो ये गीता है इस गीता को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वितरित करने का प्रयास हमको करना है तो ये प्रयास जो करेगा भगवान कृष्ण बोलते वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है तो हमको भगवान का प्रिय बनना है और भगवान से जुड़ना है और भगवान के धाम में जाना है वो करने के लिए हमको क्या करना है भगवत गीता समझना है भगवत गीता को पढ़ना है सुनना है समझना है मनन करना है अपने जीवन में उतारना वो भगवत गीता को और भगवत धाम जाने के लिए उसके साथ में हमको क्या करना है भगवान का नाम लेना है और ए बी सी डी मैंने बताया था पहला एसोसिएशन दूसरा भगवदगीता भागवतम तीसरा सी यानी चैंटिंग भगवान का नाम लेना हमने चर्चा किया और चौथी क्या खाते हैं हमारे जीवन की के लिए कहीं भी दी कि की लोग पानी सुटता पानी पूरी दिखी कि पानी सूटता नहीं क्या तो हमारा क्योंकि लेकिन हमको ये मालूम नहीं वाला कौन है होटल में जाते हैं बड़े चाव से खाते हैं लेकिन बनाने वाला कौन भंगी है मुसलमान है तुमको क्या मालूम अंदर कौन बना रहा लेकिन शास्त्र बताते हैं जिस व्यक्ति ने बनाया है भोजन उसका भाव भाव उसके मन में जो भी भाव है वो उस अनाज में आता है और हम जो खाते हैं तो हमारी भी भावना वैसी बनती है क्या विषय अन्न खाए ले मलिन हो मन मलिन होल मन नहीं ही कृष्ण स्मरण हमारा मन मलिन होगा तो भगवान को कहाँ से स्मरण करेंगे तो इसलिए हमको क्या करना है भगवान को जो नैवेद्य दिखाते भोग लगाते भोग लगाकर वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए हाँ भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं ऐसा नहीं है मन में मन से भगवत गीता में बताया कहा बताया तीसरे अध्याय के अध्याये श्लोक में सिंहासन तो सर्व कले भुजते थे तो अगम पापा ये पचनती आत्मकारना मतलब क्या है समझो भुजते थे तो अगम पापा यानी भोजन करना वर्ड टू वर्ड समझो हर कोई समझ सकता है भोजन करना थे यानी वो व्यक्ति अगम यानी घोर पाप यानी पाप भुजते थे तो अगम पापा का मतलब है वो व्यक्ति घोर पाप खा रहा कौन सा व्यक्ति घोर पाप खा रहा ये पचंती आत्म कारना. ये यानी जो व्यक्ति पचंती यानी पकाता है आत्मकारना यानी खुद के लिए ये लाइन का अर्थ क्या हुआ जो व्यक्ति खुद के लिए पका रहा है वो पका कर खा रहा वो घोर पाप खा रहा है हमने हमारे जीवन में कितनी चीजें खुद के लिए पका कर खाई है अभी तक अगर गिने तो लाख के ऊपर हो गए होंगे तो उस भगवदगीता के हिसाब से हमने क्या किया है अभी तक क्या क्या खाया घोर खा पाप नहीं कोरा पाप नहीं अघम पापा हा? वहां भी कोरा पाप नहीं बोला अघम पापा घोर पाप खाया और भगवान पहली लाइन में क्या बोलते हैं वही श्लोक के सुन्या, सिना संतो भगवान कृष्ण यानी जूठा जब भगवान को भोग लगाने के बाद में जो थाली आती है वो क्या है हमने खाने के बाद में अगर थाली बाहर गई तो हमारी जूठी होती तो भगवान के सामने रखी वो थाली बाहर आएगी तो क्या है भगवान की जूठी भगवान का उच्छिष्ट यज्ञ शिष्टा उच्छिष्टा असीना असीना यानी न खाना हा? बोलते हैं ना अष्टामी हाँ भगवान बोलते हैं अष्टामी प्रता मैं खाता हूँ तो हम जो व्यक्ति वो जो थाली आई हुई है वो खाता है यज्ञ उच्छिष्टा अशीना संतो संत पुरुष उससे क्या होगा जो व्यक्ति खाता है उसका मुच्चनते सर्व किलविशे मुच्चनते नाश होता है सर्व यानी सब किलविश यानि पाप मतलब जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाकर वो नई जो प्रसाद खाता है उसके सब पाप नष्ट होते हैं और जो खुद के लिए बनाकर खा रहा वो घोर पाप खा रहा है तो अभी हमारे हाथ में हमको घोर पाप खाना है या हमारा जीवन सफल करना जो घोर पाप खाएगा तो नरका मदे और जो भगवान का नैवेद्य लेगा वो भगवत धाम में जाएगा हमारे हाथ में है हमको क्या करना है लेकिन भगवान ने ये श्लोक भी कैसे देखो कहाँ लिया है तीसरे अध्याय का तेरवा श्लोक अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अरे वो वो व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता उसके जीवन का तीन तेरा बच जाना चाहिए हम ना बोलते ना श्राप देते ना अच्छा दीवना था तीन तेरा बाजू दिया वैसे भगवान ने भी ये श्लोक लिया तीसरे अध्याय का तेरवा श्लोक तीन तेरा जो नहीं मानेगा उसके जीवन का हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे गृष्ना, हरे क्रिणा, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद किसी का कुछ प्रश्न हो टीका टिप्पणी हो तो हम चलते किसी का कुछ प्रश्न है प्रश्न नहीं आया तो इसके मतलब दो मतलब निकलते हैं पहला मतलब है सग कर दूसरा मतलब है सग डोके और कुछ भी नहीं समझा अच्छा है सबको समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है तो ये मेरा प्रयास सबकी सेवा करने का था तो हो गया तो बहुत अच्छा है हरे कृष्ण